सुनी कि नंदरानी के लाला भयो सब दौड़ी दौड़ी आई। गोप्यस चांकर ने मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम, सजकर के पधारी समस्त गोपियां और अपने शरीर को सजाया। आत्मानम भूषयान चक्रु, भगवान से मिलना है तो शरीर का श्रृंगार होवे चाहे नहीं, पर आत्मा का श्रृंगार जरूर करो। आत्मा को सजाओ। उन समस्त गोपिकाओं ने आकर के श्री गोविंद को आशीष किया। ता आशिषत प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके, हरिद्रा चूर्ण तैलाद भी सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। हल्दी का चूरा सबने दही और तेल में मिलाकर एक दूसरे के ऊपर छींटा। ऐसा आनंद ऐसा सुख ब्रज में हुआ, एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस बीस पचास घंटे नहीं, पूरा छह महीने तक नॉन स्टॉप चलता ही रहा। ऐसा मनाया सबने उत्सव। और परिस्थिति यह हो गई कि किसी को अपने शरीर की सुधि नहीं है कि बजत बधाई धुनि छाई त्यों लोकन में, आंगन महर के नचत सुर ताल की, सुत को जन्म सुनी मुनि देवन आनंद भयो, दुंदु भी बाजे पुष्प बरस हर साल की, कि फूले सब गोपी गोप आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की, ब्रज में पर चंद भयो। महाराज ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा पर चंद भयो, नंदगर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। क्योंकि पूत सपूत जन्यो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, उन्हें धावत गावत मंगल गौरी। कि नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हुकी मत बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया चटिया न पिछोरी। इतना आनंद पूरे ब्रज में बरस गया। बाबा दोनों हाथों से लुटा रहे, आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। लाला के जन्म की खुशी में ब्रज की लाखों गोपी बर्फी बन गई। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। आनंद उमंग हो रहा है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा ते प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। कि नंद महीप बने नमकीन, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने,
आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुनाला कि जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुनाला। इतनो आनंद मोतिन के चौक पूरे कंचन के कलश धरे मोतिन के चौक पूरे कंचन के कलश धरे बंधन बार द्वार पे बंदी है सब हाल की गुनीजन गान करे मुनीजन ध्यान धरे सपने हूं न पावे ये धमूरत गोपाल की। आनंद मना रहे प्रेमी कहें जसुदा जी पालने झूला में नित्य मोतिन माल गले बग नखा ढाल की चिरजीवे नंद रानी कोटि बरस तेरो लाल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसा आनंद सब लोग मना रहे बावन की भैया तुम लाला को उत्सव मनाओ मैं कंस को वार्षिक कर देने जाऊं। वार्षिक कर देने के लिए नंद जी मथुरा टैक्स देना पड़ता है ना भाई, या तो मार्च के लास्ट में दे दो 31 मार्च को, नहीं सितंबर तक तो दे ही देना चाहिए। बाबा बोले हम भूल जाएंगे इसलिए टैक्स देने जा रहे हैं कंस को। वहीं वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी नंद बाबा के भाई लगते हैं, अंग्रेजी में कजन बोलते हैं, कजन बोलो जय श्री कृष्ण। दोनों के दादाजी एक ही थे। अब नंद जी महाराज को देखकर के वसुदेव ने दौड़ के अंक में भर लिया, बोले आपके घर लाला को जन्म भयो बहुत बहुत बधाई भाई जी। वसुदेव जी बधाई दे रहे प्रसन्न होकर नंद बाबा रो गए, क्यों जी रो क्यों रहे हो? अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहबो हता एका वसिष्ठा वर जा कन्या सापि दिवंगता। भैया बड़ी तकलीफ भई वसुदेव जी, हमने जब सुनी कि तुम्हारी भार्या देवकी के जितने पुत्र भये वह दुष्ट कंस ने सब मार दिए, हमने तो यह सुनी कि बाद में कन्या भई वो स्वर्ग में चली गई। अब वसुदेव जी ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर जो छोरा है वो दोनों मेरे ही हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, और छोटो वारो भी हमारो ही है। ऐसे बोले तो थोड़ा डर लगता है कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। वसुदेव जी बोले अब देखो जी नंद जी बात ये कि अब हम रोए क्यों, एक बेटा तो हमारो आपके घर है ही। बलराम जी का इशारा कर रहे हैं अपनी माता रोहिणी के साथ में एक पुत्र तो मेरा आपके घर सुरक्षित है। अब रही बात दूसरे पुत्र की तो क्यों मन छोटा करें, हम तो दूसरे को भी अपना ही मान लेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण, वो भी हमारो ही है। नंद जी भी तुरंत बोले देखो मन में बिल्कुल विचार मत करियो, हाँ छोटो भी तुम्हारो ही है, हम कोई तुमसे अलग हैं का? अरे हमारो तुम्हारो एक ही बात है। ऐसे देखो पता नहीं चलने दिया, लेकिन करो भाई वर्ष को दत्तो राग्यो दृष्टो व्याम चना। नेह थे हम बहुत थम संतित पाताश्च गोकुले। अब आप यहां से लौट करके गोकुल चले जाओ, कहीं वहां कोई उत्पात खड़े न हो जाए ऐसा हमको लगता है।
आज गोवर्धन लीला है ना, इंद्र महाराज सवेरे से ही बरस रहे हैं। ये कोई तरीका है? अरे जरा ढंग से बरसो भाई। ठीक है 10-15 मिनट फूल बरसा दो, लेकिन सुनते ही नहीं। इसलिए इंद्र महाराज से हम लोगों की थोड़ी पटती नहीं है, लेकिन हमारे वत्स परिवार ने भी देखो यहां कितना पानी हो गया था। 2 घंटे बरसात रुके हुए हो गए, सब व्यवस्थाएं तुरंत, नीचे बड़े बड़े पांटे बिछमा के कालीन नई मंगवा के सब व्यवस्थाएं कर दी। पर इनका कोई भरोसा थोड़े है ऊपर वालों का, अभी तो गोवर्धन लीला बाकी है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबा नंद बिचारे कहते हैं, हम मन को छोटा मत करना, वसुदेव जी ने कहा आप गोकुल चले जाओ, कहीं उत्पात खड़े न हो जाए। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन मीटिंग बुलाई थी, समस्या मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, क्या करें? सैनिक लोग बोले कृष्ण जो है ना उसकी कोई पर्टिकुलर जगह तो है नहीं साहब विष्णु की, और हमने तो सुना है विष्णु वहीं रहते हैं जहां सनातन धर्म है, और सनातन धर्म कहां है? जहां गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा। तो हमने सोचा हम लोग संत ब्राह्मणों को थोड़ा तकलीफ देंगे, इनको बचाने विष्णु आएगा तो मार देंगे, बात खत्म। कंस ने कहा नहीं ऐसा मत करना, ये तख्ता पलट जाएगा, ब्राह्मण और संत दोनों समाज के वंदनीय होते हैं, और कोई उपाय सोचो मेरे शत्रु को मारने का। अजी वो आकाशवाणी में अम्मा जी कह रही थी कि 84 कोस के ब्रज में जन्म लिया है, तो हम लोग ऐसा करते हैं वेश बदल बदल कर पूरे ब्रज में जाते हैं, 1 महीने के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया सबको मार देंगे, 1 महीने के अंदर जितने बालक जन्म लेने वाले हैं उनको भी मार देंगे, आपका शत्रु खत्म। अजीब बात, तो आप ठीक बोलते हैं, लेकिन घर में घुसने कौन देगा भैया तुम लोगों को? अब उतना मौसी जी बगल में ही खड़ी थी, कंस जी की धर्म बहन, साउथ अफ्रीका से आई थी, बड़ी अच्छी है ये, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ कौनो कौनो भयंकर वेश, हजारों हाथियों की ताकत। बोली ये विश्वास की सेवा आप मुझे प्रदान करिए, आपके शत्रु को मैं मार के आऊंगी। कंस ने कहा बहन जी वो तो ठीक है, पर आपके 5-5 इंची के दांत, ये 25 फुटा का शरीर है, हाथी जैसे बड़े बड़े आपके सुंदर चरण कमल, कौन घुसने देगा आपको घर में? तवे जैसे आपका चेहरा। उतना बोली मेरे को वेश बदलना आता है, राक्षसों की माया की मैंने स्पेशल ट्रेनिंग ली है, बोलो जय श्री कृष्ण। ये आतंकवादी लोग जो आतंक फैलाते हैं वो भी ट्रेनिंग लेते हैं पूरी, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे राक्षसों की माया होती है, दैत्यों की माया होती है, मैंने पूरी ट्रेनिंग ली है, आप चिंता ही मत करो। मेरे को पूरा वेश बदलना आता है, देखने में देवी लगूंगी मैं, अपने दोनों स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, और आपके शत्रु कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाऊंगी, 1 घूंट पीते ही मर जाएगा, आकाश में उड़ जाऊंगी, अपन को कोई पकड़ सकता नहीं। कंस ने कहा ठीक है ऐसा कर लो देवी। अब हमारे ब्रज में तो सब ब्रजवासी भोले भाले गा रहे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोपियों के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे।
मथुरा में और ये घूमते घूमते पूतना आ गई गोकुल में। हाँ, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुन शिकार निघ्नती पुर ग्राम ब्रजादसु। ध्यान से सुनना, ब्रजवासी बोले देखियो भैया जी कौन आई अम्मा जी। हाँ, चेहरा भी ढक रखा उसने, भाई कितना ही पाउडर लगाओ कितना ही पलस्तर लगा लो लेकिन काला तो काला ही होता है ना जी। हाँ, बेचारी आई तो थी खूब सज धज करके अपने हिसाब से, फिर भी उसने थोड़ा कहीं धोखा न हो जाए तो थोड़ा चेहरा ढक भी लिया है। हाँ, आ गई। ब्रजवासी बोले जी लंबी सी अम्मा जी कांते आई हैं। एक बोलो तू ना जाने यशोदा मैया की बचपन की सहेली होएगी, तो सबने बीच में से रास्ता दे दियो, काऊ ने पूछी भी नहीं। नजरानी के पास में जाकर के वन प्रणाम कियो, पामन लगूं। मैया बोली कहां सो पधारी। बोले पति तो आशीर्वाद दे गए, मैंने सोची मैं क्यों वंचित रहूं। मैया बोली आप मिश्रानी दिखो, मिश्र जी की पत्नी मिश्रानी, पंडित जी की पत्नी पंडितानी। आपने देखो पाम काई को छू लिए बड़ो पाप लगे आप। अब वो पूतना बोली कोई दोस्त थोड़े ही आप बड़ी हैं बुजुर्ग हैं। मैया बोली देखो मेरे लाला पल्ला में सोए रहे हुए और अतिथि बहुत आए हैं, मुख थोड़ो अतिथि सत्कार भी करना है। अब तुम जो है हैं, अब तुम ही संभालो, दे दो आशीर्वाद। मैया तो उस पर विश्वास करके कन्हैया को पल्ला में सोता छोड़ के चली गई और ये पूतना आ गई। और यहां आकर के पूतना ने चेहरे से कपड़ा हटाकर कृष्ण को देखा। भगवान ने तो सनमीर ते क्षण आंखें बंद कर ली। बोले 24 अवतारों में दो ही सबसे श्रेष्ठ ने रामा अवतार कृष्णा अवतार, और इन दोनों में ही पहले अम्मा जी से ही पाला पड़ गया राक्षसी अम्मा। राम अवतार में पहले ताड़का मौसी आ गई और यहां पूतना मौसी आ गई। ये तो बड़ी समस्या है, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा होगा हम तो माखन खाने आए हैं, माखन तो मुंह में गया नहीं, ये मौसी जी जहर देने पहले ही आ गई, इसलिए आंख बंद करके शिव जी का ध्यान किया। जहां कहीं भी हो बाबा मेरे दिल में बैठ जाओ, दूध हम पी लेंगे जहर तुम पी जाना, बोलो जय श्री कृष्ण। या तो भगवान ने सोचा कि उन्होंने कितने बच्चों को मार दिया, शिशुन शकार निघ्नंती, सबका कल्याण करना है भगवान ने, इसलिए उसको थोड़ा है देखा नहीं। पूतना ने गोद में लेकर के कृष्ण के मुख में अपना जहर भरा स्तन दे दिया, जहर का लेप लगा के आई। तस्मिन स्थानम दुर्जन बीर्यमुल्लवणम घोरंक मादाय शिशोर ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपिद्यत प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने अपने नन्हे से हाथों से कस के पकड़ लिया। 7 दिन के तो हैं कृष्ण, केवल 7 दिन के हैं कन्हैया, और बड़े प्रेम से पीते ही जा रहे हैं, गटक गटक पी रहे हैं। पूतना बोली 2-3 घूंट तो पी गया, इसलिए तो मरता ही नहीं, मैं तो जहर लगा के ही आई थी। और भगवान ने पहले तो दूध पिया, जब उसके प्राणों को पिया तो पूतना मौसी घबराई और जोर से चिल्लाई, अरे छोड़ लाला ये कहां कर रहे हो, सामुन चमुन चाल मिति प्रभाषणी निष्पिड्य माना खिल जीव वर्मणी। कन्हैया बोले छोड़ वो तो हम पे आवे ही ना, हम तो पकड़ वो ही जाने।
और जाकू एक बार पकड़ लें बात ठिकाने लगा कहीं छोड़ें, बोलो जय श्री कृष्ण, आप नहीं छोड़ेंगे। पूतना विशाल बन गई, जमीन पे गिर गई, मर गई, प्राण निकल गए। ब्रजवासी दौड़े सामने आए करके गोदी में कन्हैया को लिया। मैया बोली ये तो पूतना या कि तो हम कहानी सुनियो करें ये कहते आए गई। गोपी बोली पहले लाला को तो उठाओ, कन्हैया तो उसके पेट पर पड़े पड़े दूध ही पी रहे, मौसी मर गई उनको पता ही नहीं है। सो गोद में उठाए लिया। गोपी बोली बड़ी भोली हो नद रानी, ऐसा नन्हो सो बालक तुमने याकी गोद में काई को दिया। मैया बोली अरे मैंने तो पंडितानी समझी, मुझे कहा मालूम राक्षसी है, और कछु बेश भी या को घूंघट लगे हो भयो बड़े, मुझको कहा मालूम। हाँ हमारे ब्रज की संस्कृति बड़ी विचित्र है, बड़ी मर्यादित भी है। समालका में भी कभी कभी ब्रज संस्कृति का दर्शन होता है मुझे। वो 5-6 साल पहले मैंने देखा यहां एक माता आती थी यही गांव से कथा सुनने, और वो 3 हाथ वो होंगी 75-80 साल की मैया, तो 3 हाथ का तो घूंघट लगाती, और जब मैं कोई कीर्तन कराता तो यहां पे घड़ा न लोटा रख के नाचती थी, और सुनो उसको पकड़ती भी नहीं थी, और फिर कहीं दे दे के नाचती, लोटा गिरता ही नहीं था, बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं तो देख के विचित्र, मैंने पूछा अरे वो मैया नहीं दिख रही है, लोटा लेके नाचती थी। एक माता ने कहा अब उन पर चलो ना जाए, घोटून में दर्द है, बोलो जय श्री कृष्ण। तो बैठे बैठे घर में कथा का दर्शन करती होंगी। हमारे ब्रज में ऐसी ऐसी माताएं जिनको दो दो आदमी पकड़ करके उठाते हैं, लेकिन मेरे गोविंद के कृष्ण जन्मोत्सव में 440 बोल्ट आ जाता है उनमें, और ऐसा नृत्य करती हैं लोग देखते रह जाएं। ये किया नहीं जाता, ऑटोमेटिक हो जाता है, ये भाव की बात है। सो महाराज माताएं सब कृष्ण को लेकर के गईं, और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम्। कन्हैया को गोमूत्र से स्नान कराया और गाय के चरणों की धूल गोपाल से माथे से लगाई, छाती से लगाई, पुनर्गोरज सार्वकम्। ऐसी सुंदर पद्धति है, झाड़ा दे रही है, और गाय की पूंछ से कृष्ण को झाड़ा देती है, मंत्र भी बोल रही है, इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तं मनोयोगे स्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति गोविंद के चित्त की रक्षा करें। क्रीडंतं पातु गोविंद शयानं पातु माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें, सोते कृष्ण की रक्षा माधव करें, और भगवान खूब हंस रहे हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। नाम भी हमारा और झाड़ा भी हमको ही दे रही है, क्योंकि राम एक तापस तिये तारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी, भंजे हु राम आप भव चापू, भव भय मंजन नाम प्रतापू। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सके नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा का बखान स्वयं नहीं कर सकते, ये नाम का वैशिष्ट्य है। नामी को पाना है तो नाम को जपो, नाम में ही नामी विद्यमान है। राम नाम जपताम कुतो भयम्, राम नाम जपने वालों को भय कैसा, कृष्ण नाम गाने वालों को डर कैसा है।
ये जीवन की स्थिति बननी चाहिए, ये जीवन का वैशिष्ट्य होना चाहिए। और महाराज पूतना का उद्धार हो गया, सुगंधि निकली। जब शरीर को जलाया उसको तो सुगंधि शरीर से निकली, ये कैसे हो गया? अरे जहां सुनाम सुमिरत तो एक पारा, उतर है नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम स्मरण कर लिया जाए, जिसका नाम सुमिरन कर लिया जाए, तो भव सागर से व्यक्ति उतर जाता है पार। और जिसको गोद में लेखन के अपना स्तनपान कराया हो, जिसने उसकी मुक्ति में संदेह कैसा। पूतना अविद्या को बोलते हैं, अविद्या ही पूतना है। और अविद्या परमात्मा के सामने पहुंच जावे तो उसका विनाश हो जाता है। अष्टमी को कृष्ण का प्राकट्य हुआ और चतुर्दशी को पूतना कृष्ण को मारने को आई। चतुर्दश जगहों पर ही तो अविद्या रूपी पूतना निवास करती है। पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, भगवान के सन्मुख आकर के अविद्या रुक नहीं सकती। शक्तासुर को भेजा तो उसका उद्धार कर दिया, तृणावर्त भेजा उसका भी कल्याण कर दिया। भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे ब्रज के अनेक ग्रंथों में बड़ी सुंदर कथा आती है कि शिवजी दर्शन करने के लिए आए, परमात्मा के दर्शन की भावना से पधारे। शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो कल्याण करते हैं उनको शंकर कहते हैं। और वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान शंकर तो परम वैष्णव है। सज्जनों, मेरे परमात्मा का प्राकट्य हो गया, मुझे तो दर्शन करना है। भगवान शंकर जी दर्शन करने को आ रहे हैं। अब महाराज परिस्थिति ऐसी बन गई, मैया तो दर्शन करने ही नहीं दे रही। अलग खोल दे पलक, देखना झलका झलक मंत्र बोल रहे। मैया बोली, तुम्हारे गले में सांप लटक रहे हैं, अजगर सांप, और ये मुंडन की माला, राम 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 चिता की भस्म। मेरो लाला तो बहुत छोटो है, डर जाएगा। शिव जी बोले, कैसी बात करती हो माता, माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने लाल को मरमन जाने तू भोरी महतारी। यत विभेति स्वयं भयम्, माता भय भी जिससे भयभीत होता है, काल भी जिससे डरता है, उसे कौन मार सकता है? उसको डर कैसा, उसको भय कैसा? मैया बोली, जो चाहिए सो ले जाओ, पर दर्शन नहीं कराऊंगी, एक ही छोरा है मेरो तो। बोलो जय श्री कृष्ण। कितनी गौदान करी, कितनी तपस्या करी, कितने ब्राह्मण जिमाए, कितने संतन को भंडारो कियो, तब बुढ़ापे में लाला को मुख देखियो मैंने। मैं दर्शन नहीं कराऊंगी बाबा, माफ करो। शिव जी बोले, अभी योगियों की हट नहीं देखी तुमने मां, हम आज तेरे दर पे धूनी रमाएंगे, उठ कर न जाएंगे। मैं तेरे द्वार पर धूना लगा के बैठ जाऊंगा, जब तेरा बेटा बड़ा होकर के बाहर निकलेगा तो दर्शन कर लूंगा, लेकिन बिना दर्शन के अपन जाने वाले नहीं माता। तुमने योगियों की हट की बात अभी सुनी नहीं? मैया बोली, दारी के मोड़ा बाबा जी, अभी तेने त्रिया हट ना सुनी? दरवाजे पे बैठो रहे चाहे मोकू लाला, घर में बूढ़ो करनो आए जाए, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। शिव जी ने भी सोचा, भगवान की अम्माएं, इनसे कौन जीते।
भगवान शिव बोले, मैंने बहुत माताएं देखी पर इतनी कठोर तो कोई नहीं होती माता। अरे हिमालय से पैदल आया ये बाबा और तुम दर्शन नहीं करा सकती दो मिनट। मैया बोली, मैंने भी महात्मा बहुत देखे पर तेरे जैसा हठी नहीं देखा। अरे संत हो तो बाल भोग कर लो, भोजन कर लो, है गाय गाय चाहिए तो 10-5 गाय ले जाओ, दूध पीना। लेकिन कैसा विचित्र बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दर्शन चाहिए, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर तो बेचारे बोले, ठीक है भैया हम क्या कर सकते हैं। जाते जाते इशारा करके बोल गए, आराम फरमा रहे हो, आराम फरमा रहे हो श्रीमान। और जैसे ही महाराज शंकर जी लौट करके गए, मेरे कन्हैया ने रोना शुरू कर दिया और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। मैया ने खिलौना दिए, फेंक दिए, बात नहीं करें, रोमे ही रोमे। मैया बोली, कहां भयो ऐसो ऐसो तो कबो रोबे ना है, आज तो बहुत रोबे। सो माताओं की पूरी मंडली आ गई। हमारी माता बहनों का एक अलग से पुराण होता है, उसको बात्सल्य पुराण या तो बुढ़िया पुराण कुछ बोलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ अच्छा, उनमें प्रेसिडेंट बूढ़ी माताएं होती हैं, इनकी बड़ी चलती है। सो बूढ़ी बूढ़ी माताएं सब आ गई, कोई 95 की, कोई 105 की। और आकर के यशोदा से बोली, तुम्हारे घर में कोई आयो का? मैया बोली, आयो तो कोई ना, एक सांपन बारो बाबा आयो, दर्शन की कह रहे हो, मैंने मना कर दी नहीं। ओहो बाबा ने कछु जादू कर दियो है। अब जब तक वो बाबा आकर के जादू से इसकी नजर नहीं उतारेगा तब तक ये ठीक हो ही नहीं सकते। मैया बोली, दौड़ी दौड़ी जाओ गोपियों और देखो महात्मा जी अभी दूर नहीं गए होंगे, बुला के लाओ, कहना दर्शन करा दूंगी, मेरा बेटा बहुत रोवे, चुप करें आंखें। भगवान शंकर को बड़ी उदासी है, जिसके दर्शन को आया उनका दर्शन न मिला। बेचारे पिप्पल के वृक्ष के नीचे बैठे समाधि लगा करके गोपियों ने जाकर के कहा, बाबा चल रे जोगी नंद भवन में यशोदा मात बुलावे, बांके लाल को नजर लगी है राइनों करवावे। बाबा आप चलो, मैया को लाला रोब है, बाकू नजर लगी है, राइनों कर दियो। भगवान शंकर ने कहा, अपन को टाइम नहीं है, अब तो थोड़ा नखड़ा दिखाएंगे। अरे मामा चलो तो सही, मैया तुमको याद कर रही है। भगवान शंकर ने कहा, पहले जाके पूछो दर्शन करावेगी कि नहीं। हाँ हम नहीं जाते ऐसे। गोपी बोली, दर्शन की पूर्ण अनुमति, आप चलो तो सही। भगवान भोलेनाथ तो नाचते गाते आ रहे, आनंद में भरते आ रहे। और जैसे वो महल के अंदर पधारे, मैया लेकर के आई, मेरे गोविंद को गोद में लेकर के शिवजी तो नाचने लग गए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा।
Thank you.
राजो हमारे गोकुल में रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में बासों की जय। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। आप यहीं विराजो, जब जब हमारो लाला रोवे आप आकर दर्शन दीजो, मेरे लाला की नजर उतार दीजो। भगवान शिव ने कहा, मां आपका ऐसा ही भाव है तो मेरा मंदिर बनवा दो, इधर ही रह लूंगा मैं। पर एक बात का ध्यान रखना, मेरा मंदिर ऐसा बनवाना कि जब तेरा ये गोपाल स्नान किया करे ना
तो इनके स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के निकले, ये मेरी भावना है। मैया बोली, कैसी बात करो बाबा, आप संतो, हम तो क्षत्रिय गृहस्थी हैं। शिव जी बोले, अब अंदर की कौन जाने, बाबा का मंदिर बन गया, मढ़ैया बन गई छोटी सी। कई रूपों में रहते हैं भगवान शंकर हमारे ब्रज में। नंदगांव में आशेश्वर या नंदेश्वर, कामबन में रहते हैं कामेश्वर, मथुरा में रहते हैं रंगेश्वर और भूतेश्वर, वृंदावन में रहते हैं गोपेश्वर, गोपी बन के रहता है भोले बाबा वृंदावन में। बोले गोपेश्वर भगवान की, ये भावना की बात है। शिव कहते हैं मेरी आत्मा कृष्ण है, कृष्ण कहते हैं मेरी आत्मा शिव है, कोई अंतर थोड़े ही ना है। शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है। रामायण में लिखा है ना, भगवान शिव के राम से कितने संबंध हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान श्री शंकर जो हैं वो राम कृष्ण के सेवक भी हैं। भगवान शिव राम कृष्ण के स्वामी भी हैं और शिव राम कृष्ण के सखा भी हैं। सेवक स्वामी सखा, तीन संबंध है शिव से। दर्शन करके जा रहे, अब ये श्रीमान जी बड़े हो रहे हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं। बड़ा विचित्र भाव है, पवित्र भाव है। हाँ, आज क्या हुआ, एक गोपी ने जाकर और गोपियों के बीच में कुछ बोल दिया, कृष्ण सके कौतुक में नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधुन धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। सखी ने कहा, मैंने आज बड़ा विचित्र दृश्य देखा है नजरानी के द्वार पे। बोले क्या देखा? बोले गोधुन धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। ये वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वेद भी जिसको न इति न इति न इति कहकर पुकारता है, वो परब्रह्म पूर्ण जगदीश्वर निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह सगुण साकार सबशेष बनकर नंद जी के आंगन में क्रीड़ा कर रहा है। ये वेद के मंत्र ही तो गोपी थे, जिन्हें बोलते हैं ऋचा रूपा। गाय के धूल से दूसरे तंग बाला ब्रह्म नंद रानी के आंगन में खेल रहा है। अब उनको बड़ा विचित्र लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, आंगन में खेल रहा है। सखियों ने कहा, हमको तो दर्शन करना है कृष्ण का। अभी 3.5 वर्ष के हैं श्रीमान जी, 3.5 वर्ष की उम्र हो रही है, हमको दर्शन करना है कन्हैया का। अब ये झुंड के झुंड गोपी नदरानी के द्वार पे आ गई। मैया कर रही थी पूजा, गोपियों को देख करके चौक में आ गई। कहां बात है? गोपी बोली, ये बताओ आपके लाला कहां है? मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया। सो भीतर से आए और भीतर से आकर के अपलना से उठ के आए, ऐसे ऐसे कर रहे। गर्गाचार्य जी नाम तो भगवान के कई रख गए थे, वासुदेव कृष्ण कन्हैया मधुसूदन जगदीश्वर, यानी क्या क्या, बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्यते। लेकिन मैया ने तो कन्हैया नाम ही अपनी तरफ से रखा।
राम जी का सबसे प्यारा नाम क्या है बताओ? मेरे राम जी का सबसे प्यारा नाम है राघव, और कन्हैया का सबसे प्यारा नाम है माधव। ये माधव और कन्हैया ये नाम रखे हैं मां यशोदा ने। मां माने राधा, मां राधा तस्या धव माधव श्री कृष्ण। तो राधा का जो बहुत प्रिय है, राधा कृष्ण तो एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं। कन्हैया भीतर से आए और रात को सोते समय तो काजल लगाती थी ना माता, हाँ, और उठते ही ऐसे ऐसे किया सो आधे आधे गालों पे फैल गया पूरा काजल। जगन्नाथ भगवान किसी गोल गोल आंख बन गई। मैया की साड़ी का पल्लू पकड़कर कन्हैया खड़े, मां ने उनके सिर पे हाथ रख रखा है और गोपियों से बोली, कहां उधम कियो मेरे लाला ने, तुम ऐसे उलाना देने सुबेरे सुबेरे चली आई, कहां बात है? सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनो, गोपियां कितना सुंदर उलाना दे रही हैं। कि वत्साल मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास तेयम स्वादुवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोगै मरकान भोक्षं विभजति सचेन नाति भण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत् पत्रोष्यतो का। आपको लाला हमारे घर में जावे और हमारे बछड़ान को खोल के भाग जावे। मैया बोली, अब देखो ये तो कोई ऊधम है ना है। यदि गोविंद तुम्हारे बछड़ान को खोल के भागे तो देखो तुम्हारो कछु काम ही तो करे। गोपी बोली, नहीं, जब इनको पतो चले कि गाय दुहिवे को समय आयो, एक घंटा पहले ही बछड़ा को खोल के भाग जाए और बछड़ा पूरे दूध को पी जावे, एक बूंद भी हमें मिले ना है। मैया बोली, तो नेक डांट दियो करो छोटो बालक है। बोले, हम जब इनको आंख निकाल कर डांटे तो ये खिलखिल 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 करके हंस जावे। अब इनकी हंसी को देख करके हमारी सबरी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया बोली, हम मेरे तो कोई दोष है ना है। अरे ऊधम मचावे तो डांट दे, सबको बालक है। और देखो ठीक नहीं है, ये घर में जाके चोरी भी करें। मैया बोली, छोटो बालक कहां जाने, कहां चोरी करी आने, और तुम्हें शर्म नहीं आवे? मेरे घर में कितनी गाय हैं, 9 लाख गाय नंद जी के घर पे। यदि मेरे लाला ने, मान लो छोटो बालक है, अपनो घर समझ के तुम्हारे घर में आए गए हो और थोड़ा माखन खा लियो, तुम चोर 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 बोलो, मेरे घर से 50 मटकी माखन की ले जाओ, कितनो माखन खाए। अरे 4 अंगुल को लाला को पेट है, मुट्ठी भर की कमर है, 50 ग्राम से ज्यादा माखन तो खा ही ना सके। गोपी बोली, नहीं, ये स्वयं कितनो माखन खा ले, हमें बुरो नाए लगे। पर मरकान भोक्षण विभजत सचिन नाति भंडम भिनक्ति, ये स्वयं थोड़ी खामे बंदरन को लुटावे। बाकायदा रजिस्टर्ड कंपनी है इनकी, रजिस्टर्ड संस्था है बाल गोपाल चौरी विद्या प्रचार मंडल, उसके प्रेसिडेंट भी 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र महाराज है। अब लगा लो हिसाब, जिस संस्था के प्रेसिडेंट की उम्र 3.5 वर्ष की है
उस संस्था के सदस्यों की उम्र क्या होगी, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे ये तो प्यार की बाल लीला है मेरे गोपाल की। बंदरन को लुटा में मैया बोली, तुम अपनी मटकी को ऊपर छींके पर लटकाए दो, हाथी ना पहुंचेंगे तो चोरी करेगो कैसे। गोपी बोली, हम ये भी कर चुकी हैं, हमने जब मटकी ऊपर लटकाए दी नहीं तो हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीत खोलू खलाद्यय। आपके लाला नीचे उखल खड़ो कर दें, बाप एक सखा खड़ो करें, बाकी ऊपर एक और सखा खड़ो करें और सबके ऊपर स्वयं खड़े है जामे, बंधन को भी डिस्ट्रीब्यूट करते जामे स्वयं भी पामे। मैया बोली, तुम अंधेरी कोठरी में मटकी धर दे ने, आकू अंधेरे में हवा से डर लगे, अंधेरे में हवा से डर पे लाला। गोपी बोली, आपने कड़ूला पहना रखे न मणियों के, और कछु दिखे चाहे नहीं पर अंधेरे में इनको मटकी वहां भी दिख जाए। अच्छा, मैया कड़ूला उतारने लगी, मैं आपको पहनाऊंगी नहीं अब। बोले, नजरानी हम जब चली जाए तो बाद में डांट देना, अभी कड़ूला मत उतारो नहीं तो लाला सुंदर नहीं लगेंगे। इसका मायने ये होता है कि गोपियों के मन में कोई दुर्भाव नहीं है, वास्तव में उल्हाना देने का उनका भाव भी नहीं है, और इस उल्हाना के बहाने तो वे बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए आती हैं। इस बहाने दर्शन, क्योंकि कोई कोई सासू जी बड़ी हाँ जाने नहीं देती नई बहुओं को। नई बहुएं जो होती हैं, दो तीन वर्षों तक उनको बड़े नियंत्रण में रहना पड़ता है महाराज। सासू जी बोलती हैं, बहू खबरदार जो घर से बाहर गई तो हमारी नाक का सवाल है। किसी किसी की नाक होती है लंबी ज्यादा। सास का अर्थ क्या होता है मालूम है? जिसके नाम से ही श्वास रुक जाए वही सास होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे बाप रे, हाँ हिम्मत है जो चली जाए बाहर, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कहां फिट कर दिया, बोलो जय श्री कृष्ण। जाने ही नहीं देती कहीं, मंदिर स्वयं चली जाएंगी, जमुना नहाने जाएंगी, बहू कहीं जाए तो कोई संग जाएगा, नियंत्रण रखती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो बिचारी वो तो चोरी का उल्हाना देने के बहाने कृष्ण दर्शन करने आती है, मटकी भी अपने आप फोड़ देती है। सासू पूछे, कौन फोड़ गया? वो नंद जी के छोरा आए और फोड़ गए। तो सासू जी कहती, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ नंद भवन में और मेरी तरफ से उल्हाना दे के आओ, बड़ो बिगड़ गयो छोरा कृष्ण। ये भाव है उनका। अच्छा, उन गोपियों में एक गोपी थोड़ी बड़ी भी थी। हाँ, मैया बोली, तुम चुपचाप कैसे खड़ी हो, तुम भी बताओ तुम्हारे घर में का उधम कियो। अजी मो तो बड़ी शर्म आवे बतावे में, परसों मेरे पति 50 बन के है गए। बोलो जय श्री कृष्ण। 51 साल के मेरे पति भय, सत्यनारायण की कथा घर में कराई, 56 भोग घर में बनाए और पूरी गोकुल नगरी को झरा निमंत्रण दिया। झरा निमंत्रण समझते हैं? चूल का नोता। किसी के घर चूल्हा भी नहीं जलेगा, सब मेरे घर भोजन करें। सत्यनारायण की पूजा होने से पहले ही आपके नन्हे से कन्हैया मेरे घर गए और सत्यनारायण जी को जिस पाटा पे बैठना था पूजा के लिए, उस पे जाके पालती लगा के बैठ गए। मैं भीतर से आई, इतना सा कृष्ण 3.5 वर्ष का,
लाला का बात है? बोले हमारा भोग लगाओ। अरे मैंने कही देखो इतना सा बालक और पाटा पर बैठे मेरा भोग लगाओ। भोग कैसे लगा? यहां सत्यनारायण जी की पूजा होगी, पंडित जी महाराज कथा सुनाएंगे, फिर आरती होगी, फिर भोग लगेगा, तब प्रसाद मिलेगा। बोले हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है क्या? हम ही सत्यनारायण है। नजरानी जी मैंने थोड़ी डांट लगा दी, वहां से उठ करके चले गए और मेरे घर के दरवाजे पे जाके पीछे की ओर मुड़कर हमको देखा। बोले भाभी होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको ही देखना है, असली सत्यनारायण का तुमने अपमान किया है। छोटे बच्चों के मुख से बातें बड़ी मीठी लगती हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। पूरे गोकुल ने आकर मेरे घर भोजन पाया, प्रसाद ग्रहण किया, कन्हैया नहीं आए। मेरे पति बेचारे 51 के हो गए, 51 साल के, थक गए थे, अपने हाथों से सबको भोजन परोसा, कमर दुखने लगी, रात्रि में गहरी नींद में सो गए। मेरे पति तो बड़े ऋषि हैं, लंबी दाढ़ी है, उनके केश हैं। रात्रि के 12:30 बजे जाने कौन सी खिड़की में होकर तुम्हारे कन्हैया मेरे घर में घुस गए और मेरे पतिदेव की लंबी दाढ़ी मेरी चोटी से बांध करके भाग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी कसकर के दाढ़ी बांधी। अब देखो दाल बाटी चूरमा का भोग जब लगता है ना तो रात्रि में प्यास लगती है, एक दो बार पानी पीना पड़ता है। रात के 1:30 बजे मेरे पतिदेव को प्यास लगी तो बेचारे उठे और जैसे ही वो उठे तो उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंचे। मैं चिल्लाऊं कहां कर रहे हो, कहां कर रहे हो? पति बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बोले कहां कर रहे हो, बोले क्या कर रही हो, बोले कहां कर रहे हो, बोले क्या कर रही हो? जैसे तैसे हमने दीपक जलायो और दीपक जला करके प्रकाश में देखा मेरे पति देव की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए, 25% गए। ऐसो ऐसो उधम मेरे घर में आपके लाला मचा में। मैया को हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रही है। हंसी तो यूं आ रही है कि नेक सो सो लाला इन बूढ़ी ने पागल बना बे। मैया ने कन्हैया की ओर देखा, ये तो ऐसे खड़े कि इनसे ज्यादा सीधा कोई है ही नहीं। मैया बोली चोरे ये गोपी कहां कह रही है, तेने ऐसो उधम कियो इनके घर में? एक गोपी बोली है मेरे पूजा घर में गए, हाँ, और कुत्ता के 2 पिल्ला ले जाके भगवान की बगल में बिठा दिए। ऐसो उधम मचा में सालिग्राम जी के सिंहासन पे कुत्ता को पिल्ला बिठा के भाज गए। मैंने पूरा पूजा घर धोयो, गोबर को चौका लगायो, ऐसो उधम। मैया बोली चोरे लाला ऐसो उधम की होते ने परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, तो पिल्ला लेके आयो पूजा में बिठाए। कन्हैया बोले तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मैं तो ये भी ना जानू इनको घर कौन सी गली में है, पर तो हमारी बात थोड़े ही माने, हम तो छोटे हैं। इनको पति आरोप करे मैं तस्करी साह और चोर नाम मेरो धर्यो होनन दिंगी ब्याह। देखे बिन काना। एक गोपी बोली और सुनाओ ना, कि जितना उलाना सुनाएंगी उतनी गोविंद के सामने खड़ी रहेंगी ना। कि देखे बिन काना जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। ये उलाना तो केवल बहाना है गोविंद दर्शन करने का, अद्भुत भाव है, कौन प्राप्त कर सकता है इस भाव को। आज यमुना किनारे जाखन के मेरे गोपाल जी ने महाराज क्या बोलते हैं वो माटी खाली,
और मैया ने कान पकड़ करके डांटा ब्रजवासियों के कहने से तो मुख में प्रभु ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया डर गई, किम स्वप्न एतत उत देव माया किम्बा मदीयो बत बुद्धि मोह, मैं सपना देख रही हूं, किसी देवता की माया है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। यह वैचित्र है।